श्रीलंका टीम बेईमानी से जीती भारत से तीसरा वनडे मैच। उसके बाद एम्पायर ने दोबारा कराया एक एक सुपर ओवर का मैच। टीम इंडिया ने ऐसे सुपर ओवर में जीता श्रीलंका से तीसरा वनडे। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो कि भारत ने सुपर ओवर में कैसे जीता तीसरा वनडे, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूले। दोस्तों भारत श्रीलंका में तीसरा वनडे मैच कोलंबो के मैदान पर खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका ने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन, जिसमें पथुम निसंका ने बनाए 45 रन, और दूसरे छोर पर खडियुढे अविष्का फर्नांडो ने 102 गेंद का सामना किया और 96 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की। तो वहीं तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस ने 59 रन लगाए, जिसमें भारतीय टीम की ओर से घातक गेंदबाजी कराई। रियान पराग ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। इस लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया मैदान पर आई, जिसमें भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 35 रन लगाए। उसके बाद विराट कोहली ने 20 रन लगाए और अंत में आकर के वॉशिंगटन सुंदर ने 30 रन की पारी खेली और कोई बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाया। पर भारतीय टीम 138 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने इस मैच को 110 रन से जीत लिया। मगर बाद में पता चला कि श्रीलंका इस मैच को बेईमानी से जीती है, तो अंपायर ने एक एक सुपर ओवर का मैच कराया। सुपर ओवर में टीम इंडिया ने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 रन, जिसके जवाब में श्रीलंका टीम 10 रन ही बना सकी और भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में हराकर इतिहास रचा और इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया।